सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रवण यादव आप सब लोगों का मेरे फार्म पर स्वागत करता हूँ। एक वर्मी कंपोस्ट छाने वाली मशीन है जिसमें 2 हॉर्स पावर की मोटर लगी हुई है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मोटर लगी हुई है यहाँ पे, है ना। और यहाँ से इसका ये जॉइंट है और ये थ्रेसर वाला इसके ऊपर सिस्टम है। यहाँ 2 बेरिंग लगे हुए हैं, ये बेरिंग और वो बेरिंग है। इसमें 4 mm की जाली लगी हुई है। अब कोई भी किसान जब वर्मी कंपोस्ट गमले में भरकर यहाँ डालता है, एक किसान, और ये इस प्रकार से करता है, तो एक वही बंदा इस लकड़ी को लेके इसको इस प्रकार से उसको ऊपर से हिलाएगा, जिससे क्या होगा कि जो हम जो राउंड वाली मशीन होती है उसमें इस प्रकार से गोल घुमाते हैं, उसमें इस प्रकार से देखो गोल होके बाहर निकल जाता है पीछे, ना जब 10 किलो डालेंगे तो 5 किलो अनस्यूड निकल जाएगा बिना छना हुआ। लेकिन इसमें क्या होगा, हम लकड़ी से इस प्रकार इसको ब्रश करेंगे ना, तो पूरा का पूरा 10 किलो डालेंगे तो पूरा पूरा वर्मी कंपोस्ट इसमें निकल जाएगा नीचे, और वो हम स्टोर कर लेंगे। तो इस मशीन की जो इफिशियंसी है वो 95% है। मतलब आप 10 किलो डालोगे तो आप ही मान के चलो कि आपका पूरा का पूरा प्रोड्यूस वर्मी कंपोस्ट बन के ही बाहर निकलेगा। वरना जो राउंड वाली मशीन आते हैं उसमें आधा जो मटेरियल है वो बिना छना हुआ आता है और बाहर गिर जाता है। तो सभी दोस्तों से मैं निवेदन करूँगा आप इसी प्रकार की मशीन बनाएं। इस मशीन की कॉस्ट लगभग पिछले साल जब 1.5 साल पहले मैंने बनाया था तो इसकी 27,000 रुपये थी। आज मैं कल पूछ गया इसकी कॉस्ट लगभग 40 से 42 हज़ार पड़ेगी, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी किसान भाई, इस प्रकार की मशीन को आप यूज़ ले सकते हैं। मैं आपको एक बार चला के दिखाता हूँ इसको, आप देखिए ये मशीन चलती है इस प्रकार से, ये इसका ऐसे करता है। और यहाँ पे देखो आप, मैं आपके सामने डाल के भी दिखा रहा हूँ, मैं देखो इसको इस प्रकार से कर रहा हूँ, पूरा इतना डाला उतना पूरा मेरे नीचे वाली पड़ता है। तो सभी दोस्तों को धन्यवाद, थैंक यू।